जितना भी होता है, तो अगर आपका नेचर अच्छा है, बोलने का तरीका, जो कस्टमर तो काजू मेरे लिए चॉकलेट लेके आई और मैंने बोला किस खुशी में कि ऐसे ही, मैंने कहा पैसे तो नहीं लेगी कि घर जाके लो काजू, वो भी आ जाएगा काजू भी वो वाला। वाह क्या जादू है मेरे हाथ में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम है और छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में, और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं देहरादून के खूबसूरत नज़ारे के साथ। मैंने सोचा रो दरवाजे के सामने से क्या करना, छत से करती हूँ। और अब आज हम बहुत लेट हुए उठे, टाइम हो चुका है 7:45 और मैंने आज हम मक्की के पकौड़े बना रहे हैं। आपने पहले बनाए हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैंने पीस के रख दिए हैं और अब मैं उसमें नमक मिर्च मिलाऊँगी और तब बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। फिलहाल तो मैं छत में आ रखी हूँ और देखना मेरी बिल्कुल आँखें नहीं खुल रही। अब कई होकर कमेंट आएंगे, पहले आँखें खोल लो आप, तो सच में मेरी आँखें नहीं खुलती, बहुत तेज़ धूप आ रखी है आज। देखो ये देखो, सच में मेरी बिल्कुल ही आँखें नहीं खुलती भाई, चाइनीज़ ही हूँ। तो फिर यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है, बहुत अच्छा मतलब। तो मैं अब नीचे जाती हूँ, काजू भी उड़ चुकी है, काजू रोटी बना रही है, आटा रात का बचा हुआ था, और सासू माँ गए हैं नहाने के लिए, और मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग अभी। तो अब बनाऊँगी पकौड़े, तो आपको भी दिखाऊँगी कैसे हो रहे खाने में, टेस्ट बताऊँगी, बनाते हुए तो पता नहीं बता पाऊँगी या नहीं। तो चलो, आज काजू की तबीयत भी ढीली चल रही, और ये रख दिया मैंने मक्की पीस के। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और नमक मिलाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखो, मैंने पेस्ट मतलब पता नहीं क्या बोल रहा हूँ वो बना दिया है, उसमें नमक नमक मिला दिया, बेसन वगैरह, और ये मैंने कढ़ाई रख दी, यहाँ पे तेल गरम हो रहा हुआ, मैं अभी तो तेल गरम ही हुआ, स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। तो दोस्तों पकौड़ी ऐसे लेनी है, मतलब ये जो मसाला है ऐसे लेना है और ऐसे ऐसे करना, और ऐसे करके इसमें ऐसे खतलम डाल देना है, ठीक है, थोड़ा पतली पतली बनाना, अंदर पकने में थोड़ा इससे टाइम लगता है ना, तो ऐसे करके थोड़ा पतली पतली और इस टाइप से, ठीक है दगड़ी, और उसके बाद इन्हें ऐसे इस टाइप से कर देंगे, ठीक है मेरा लाटो। आप लोग देख सकते हो, देख के तो काफ़ी यमी यमी सी टेस्टी सी लग रही हैं। अब मैं खा के बताऊंगी आपको, अगर खाकर भी ऐसी होंगी तो ठीक है, तब मैं बोलूंगी आप भी बनाओ, अगर खा के टेस्टी नहीं हुई तो फिर क्या ही बोलना। और इधर पे काजू बना रही है जूस, मतलब करेले का, ये सासू माँ के लिए करेले का जूस, आप लोग भी पियो ठीक रहोगे। फिलहाल तो मेरी पकौड़ियाँ बन रही है। तो दोस्तों ये बन गई मेरी टेस्टी सी पकौड़ी, देखो यम्मी, मजा आएगा आज तो चाय पकौड़ी सॉस। मिलती हूँ आपको आप सारी पकौड़ी बनाने के बाद, जो मेन था वो मैंने बता दिया, ठीक है, आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है, रोज पकौड़े बनाते रहोगे। तो दोस्तों हम जब भी पकौड़ी या कुछ तेल का बनाते तो हम मंदिर में जरूर रखते हैं, चूल्हे पे, सासू माँ ने चूल्हे पे रख दिया, और वो मंदिर में जा रहे थे पर पता नहीं किधर गए, ये रहे, कहाँ रख दिया पता नहीं, कहाँ रख दिया, मंदिर में जाएंगे फिर रखेंगे। फिलहाल तो मैं तलने पे लगी पड़ी हूँ, ये इतने सारे बन गए, तो सासू माँ चले गए हैं मंदिर में रखने के लिए। तो दोस्तों ये रहे स्वादिष्ट से पकौड़े, ये देखो बहुत टेस्टी यमी। तो दोस्तों अब बारी आती है टेस्ट करने की, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे हो रहे मेरे बनाए हुए पकौड़े। वाह क्या जादू है मेरे हाथ में, आप भी बनाइए खाइए और अपने हाथों को प्यार कीजिए, वाह क्या लजीज बनाए हाँ। चलो मैं मिलती हूँ आपको खाने के बाद, वरना आप नज़र लगा दो कितना खा रही हूँ।
बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज जेठानी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, देखो आज बीमार हो गई। क्या करें, अब होता है ना कभी कभी तबीयत ख़राब भी हो जाती है। कोई बात नहीं, खा जो रो मत। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, 11 नहीं 11:30 हो चुके हैं, और मैं खाना खुना रख देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने आराम से, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगाती हूँ और मुझे धोने हैं बाल। तो मैं मिलूँगी आपको खाना बनाने के बाद, या उससे पहले भी सासू माँ कर रहे हैं मौसी जी से बात, और काजू अपने कमरे में आराम कर रही हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैंने चढ़ा दिया है खाने चूल्हे पे, और अपने लिए काजू के लिए पुलाव चढ़ाया है, और सासू माँ के लिए मूँगी। तो फिर अभी देखना कुकर सीटी मार रहा, मैं सासू माँ को खड़ी करके आ गई, मैंने कहा आप थोड़ा बंद कर देना गैस, और फिर मैं नहाने जा रही और फिर मिलती हूँ मैं आपको नहाने के बाद, तब तक आप मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों फाइनली मैंने खाना भी खा लिया और मैं नहा के भी आ गई थी, फिर गई मैं खाना खाने, और आज थोड़ा काजू की तबीयत ख़राब है तो काजू लेट गया, और सासू माँ भी लेट चुके हैं, और मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ, नींद से आ रही, शाम को मिलती हूँ आपको फिर, ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम मैंने बोला था हम खा के सो चुके थे, और अब उठ चुके हैं, टाइम 5:45 हो चुका है, और मैंने चाय रख दी है चूल्हे पर, और अब मैं जाऊंगी गेहूं लेके, क्योंकि हमारे घर आटा नहीं बचा हुआ है, तो मैं जाऊंगी गेहूं लेके आटा पिसवाने। फिलहाल तो मैंने चाय रखी है चूल्हे पे, चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे मैं और सासू माँ, काजू तो नहीं पीती चाय, और ये चाय उबल चुकी है मेरी, और अब ठीक है काजू की तबीयत ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है काजू के फैंस को। और चलो मिलवाती हूँ अभी थोड़ी देर में, अभी वो नहाने जा रहे थे फिलहाल, तो मैं मिलती हूँ आपको चाय के साथ। तो दोस्तों चाय के साथ चलो सासू माँ को चाय देती हूँ मैं, और अब अपनी चाय लाती हूँ, एक बार में एक ही चाय आनी थी ना, इसलिए तो मैं अपनी चाय अब ले जा रही। आइए आप लोग भी पीजिए। सावन का महीना, तो चलो दगड़ो आपको मिलती हूँ चाय पीने के बाद, आइए आप लोग भी पीजिए चाय प्लीज। तो दोस्तों मैंने जिम दे दिए खाने के लिए, अब निकलते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ देती हूँ अपने कपड़े सिलाने अभी फिलहाल, तो मैं यहाँ अपने सूट दे रखे वो लेने आ रखी हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरा सूट सिल चुका है, दीदी ने सिल दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये हमारी टेलर ने मास्टर ने जी बहुत अच्छा काम करती है। आप लोगों को सिलवाना हो तो आइए आइए जरूर, जगह पूछना हो तो बता देना मैं बताऊंगी। तो दोस्तों मैं और काजू पहुंच चुके हैं कपड़े लेने के लिए, साल के बच्चे के लिए, हाँ बच्चों के लिए कपड़े लेने, काजू के बच्चों के लिए। मजाक करिए, अभी देखते हैं मिलता है कुछ नहीं मिलता आपको दिखाएंगे, जैसा भी होगा बाद में बताएंगे किस लिए। तो दोस्तों हमें दो फ्रॉक पसंद आ रही, एक ये और एक ये वाली, तो ये थोड़ा इसका प्राइस कम है और इसका ज़्यादा है, तो हम इसी को लेने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं थोड़ा क्या होता है, क्या बोलती है, देखते हैं, चलो देखते हैं फिर। तो दोस्तों लग गई है वो, मतलब ठीक रेट में, ठीक रेट में क्या, पर हो गया अब जो होना था, दीदी भी खुश हो गई। अब मैं रेट नहीं बता सकती, क्या पता उनकी मम्मी देख रही हो, तो रेट नहीं बताऊँगी मैं कतई नहीं, क्योंकि देखते हैं अभी हम पैकिंग के लिए डब्बा मांग रहे हैं, उनमें बॉक्स तो मिल गया, बॉक्स तो काफ़ी हैवी लग रहा है। ये देखो काजू को भी लेनी है एक फ्रॉक अपने लिए की, मैं काजू के लिए फ्रॉक दिखाती हूँ आपको, वो वाली वो जो पिंक वाली दिख रही ना वो पहनेगी काजू, है काजू तेरे को पसंद आ रही है, पसंद आ रही। तो दोस्तों काजू की एक फ्रॉक ले रही थी, नहीं काजू मतलब किसी और के लिए ले रही थी, बच्चे के लिए, तो मैं उनसे बोल रही थी ना वो पिंक वाली फ्रॉक दिखाओ काजू को वो लेनी है करके, तो मैं मजाक में कर रही थी, तो दीदी ने सच्चे समझा, तो हमने बोला फ्रॉक दिखा दो, तो काजू को पूछे कितने नंबर आता है कि आप पे हंसी आ गई, काजू तो वो भी आ जाएगा काजू भी वो वाला। तो दोस्तों फाइनली हमने सामान ले लिया है, हमारी काजू मैम आ गई है, ठीक था जो दुकानदार थे, नेचर अच्छा है, देखो व्यापार में व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है, पहले तो हर फील्ड में
व्यवहार होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप इस तरह का व्यापार करते हैं तो व्यवहार बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा महंगा भी होता है तो अगर आपका नेचर अच्छा है, बोलने का तरीका जो कस्टमर को पसंद आए तो कस्टमर ले लेता है, कोई बात नहीं थोड़ा ज़्यादा भी हुआ। लेकिन अगर आप बहुत रूड हो और आपका सस्ता भी है ना, तो कस्टमर का लेने का मन नहीं करता। राजू सही बोल रहे हो, अच्छा है, बहुत बेवकूफ़ है। हाँ, नेचर बहुत अच्छा था। तो आप आए तो ये कौन सा मालसी पुलिया है? ये मालसी पुलिया ना, ये मालसी पुलिया। हाँ, ये मालसी पुलिया पर दुकान है। आप अगर गुल्लर घाटी की साइड जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड और ऊपर जाते हुए राइट हैंड साइड, तो फिर हम आपको मिलते हैं आगे। फिलहाल हमने दो ले लिए हैं, तो बहुत जल्दी मैं आपको शो करूंगी ये किस लिए ले रहे हैं, ठीक है? तब तक आप हमारे साथ बने रहो। दोस्तों, मैं आ गई हूँ मोमो खाने। बहुत अच्छा है और यहाँ का बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, काजू मेरे लिए चॉकलेट लेके आई और मैंने बोला किस खुशी में कि ऐसे ही, मैंने कहा पैसे तो नहीं लेगी कि घर जाके लूँगी, ये क्या बात हुई। थैंक यू सो मच, आप लोग भी थैंक यू बोला काजू का। वेलकम। तो दोस्तों, हम चक्की में आ चुके हैं, मेरा आटा पिस चुका है, अब मैं ले जा लूँगी। तो दोस्तों, फाइनली घर पे पहुंच गई हूँ और काजू अंदर चली गई है और ये आटे का कट्टा निकालना है और पिसाई है 12 किलो था 24, तो यानी 2 रुपये पिसाई है पर किलो। तो फिर मैं इसे लेके जाती हूँ, निकल जा, मैं अंदर लेके जाती हूँ। तो जरा मटू मटू ही पी, नजर न लगो। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में बाद में, ठीक है दोस्तों? बने रहना मेरे साथ, कहीं मत जाना, मार खाओगे वरना। मजाक कर ले। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है 8:54, 9 बजने वाले हैं और हम लोगों ने अभी खाना नहीं बनाया क्योंकि इस दिन में हमने सासू माँ के लिए मूँगी बनाई तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया उन्होंने, मतलब खोला ही नहीं हमने उसका ढक्कन। तो सासू माँ कह रही कि मैं अभी वही खाऊंगी, तो देखते हैं। उनके लिए 2 रोटी बनाएंगे और हमने हमारे भी दिन में हमने पुलाव बनाया था वो बचा हुआ, हम भी वही। मुझे तो खैर भूख नहीं है, पर काजू को तो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये होता है कि रात को भूखे नहीं सोना चाहिए, बस थोड़ा मुंह में रखूंगी बस, बाकी तो फिर खाना बनाने की टेंशन फ्री आज। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आजकल मेरे व्यूज़ बहुत डाउन चले गए और मुझे बहुत दुख हो रहा इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं, अप एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा ही है, होता रहता है लाइफ में, है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, बुरा लगता है लेकिन कोई बात नहीं, है ना? तो फिर मैं मिलूंगी आपको कल एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरा भी टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। ये टाटा बाय बाय सब्सक्राइबर्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। अब आप ऐसा, आप बोलोगे ऐसा क्यों, जो सब्सक्राइबर है वही तो? नहीं नहीं नहीं, कई ऐसे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है लेकिन वो शायद व्लॉग नहीं देखते होंगे, और कई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो मेरा डेली व्लॉग देखते होंगे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका उनसे बड़ा योगदान है जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन वो नहीं देखते, तो आपका उनसे ज़्यादा योगदान है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो आपका दिल से धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको कल फिर भी ऐसे ही देखते रहना, ठीक है? टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और उनका तो धन्यवाद हमेशा ही है जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है और देखते भी रहते हैं। टाटा।